नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा। हमारी सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और सभी का अपना अपना अलग विशेष महत्व है। इनमें कुछ व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं तो कुछ में अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना से व्रत रखे जाते हैं। और इन्हीं व्रतों में से एक व्रत होता है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, जो कि विशेषकर संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं रखती है। निसंतान महिलाएं भी व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे साल 2023 में जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और कब व्रत का पारण करना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन बहुत कठिन है, जो कि 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार ही रखा जाता है, इसलिए व्रत बहुत कठिन है। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, रात को चंद्र दर्शन करके व्रत खोल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर जितिया व्रत में सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। दूसरी ओर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो ऐसे में आप भी इस व्रत को रख सकती हैं। अपने डॉक्टर्स की सलाह से ही आपको व्रत रखना चाहिए। यदि आपको आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो इस व्रत को रखें और उस कंडीशन में आप जल और फल के साथ उस साल इस व्रत को रख सकती हैं। अगली बार से आप जिस प्रकार से हर बार निर्जल निराहार रहकर व्रत रखती आई थी, उस प्रकार से रख सकती हैं। किसी कारण से अगर व्रत रखने में भी आप सक्षम ना हो तो आप 3 दिन तक नियमों का पालन करके विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा सुनें। इस दिन जीमूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। जिस तरह से छठ पूजा 3 दिन तक मनाई जाती है, उसी प्रकार 3 दिन तक घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ही इस व्रत से 1 दिन पहले मछली खाना जरूरी होता है, लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी हो वो मछली नहीं खाती है, क्योंकि इस व्रत को बिना पानी के रखा जाता है। इसलिए 1 दिन पहले कोशिश करें कि आप बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पानी पी ले। पानी वाले फलों का सेवन करें। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन आपको व्रत से 1 दिन पहले नहीं खाना चाहिए। साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन व्रत है और इसी दिन महालक्ष्मी वृद्धि समाप्त हो जाएंगे। 6 अक्टूबर को सुबह से लेकर 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक ये व्रत रहेगा, यानी कि इस दौरान जल और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। व्रत से 1 दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाए खाए का दिन होगा। अपने अपने यहाँ की परंपराओं के साल अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। जिस तरह से व्रत रखना शुभ मुहूर्त में जरूरी होता है, उसी प्रकार से यदि व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो अधूरा ही माना जाता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 4:42 से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:08 पर। ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जितिया व्रत खोला जाता है। तिथि के प्रथम पहर में इस व्रत को खोलना होता है, तो 7 अक्टूबर शनिवार को आप शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोले। पहले तक आपको किसी भी प्रकार जल का सेवन नहीं करना है या कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:09 से और समाप्त होगी
8 अक्टूबर रविवार की सुबह 10:13 पर सूर्य उदय से पहले भी व्रत नहीं खोला जाता है तो सूर्य उदय इस दिन सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर 6 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को। व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 पर, जिस समय आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से ठीक दोपहर के 12 तक रहेगा। काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और इस दिन चंद्रोदय होगा। रात 11:43 पर जितिया व्रत खोला जाएगा। 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 के अंदर अंदर यही शुभ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना है। नहाए खाए के दिन नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और जितिया व्रत के पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की भी परंपरा है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखेगा। साथ ही इस दिन कथा भी सुनाई जाएगी, आप कथा भी जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।